सो गाइस अभी आया हूँ मैं क्लिनिक से और क्लिनिक से जल्दी गुड आफ्टरनून तो क्लिनिक से जल्दी मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि पापा जी को लेके जाना है मुझे रोडवेज अड्डे पे, क्योंकि पापा जाएंगे आज शामली भिल्ली लेकर गुड़िया की। तो लड्डू वगैरह लेके आ चुके हैं पापा जी, फल वगैरह सब चीज़ ले ली पापा ने इनसे ही, क्योंकि पापा पैर में दर्द है तो बीच में उतरने में दिक्कत होगी, मैं उतरूंगा फिर लेके चलूंगा। पापा सारा सामान इनसे लेके चल रहे हैं, बस में रखवा दूंगा मैं और सीधे बस वहीं से गली के सामने उतरेंगे और सीधे घर पर आ जाएंगे पापा जी वहाँ पे। तो इसीलिए पापा जी कहने लगे तो सारा सामान पैक कर दे। तो फिलहाल पापा रेडी हो रहे हैं, तो पापा का फोन आया भाई यहीं पर आ जा, क्लिनिक से आया हूँ यहाँ पे, फिर पापा जी को लेकर तैयार करके लेके जाऊँगा रोडवेज अड्डे पर, बस में बैठाऊंगा, बस में बैठाने के बाद फिर सीधा क्लिनिक पर आऊँगा मैं। तो फिलहाल पापा गुडे देखो गुडे सो रही है, और रात को तो आप देखना वो लोग में क्या हाल कर रखा था उसने पूरी रात एक एक और महारानी पड़ गई अपना आप नींद पूरी निकाल ली भाई। मैं पता क्या सो जाता आप जा, मगर 3 बजे के बाद लंच टाइम होता है, मगर 3 से 5 सो होता सल्ली पर पड़ गए। ठीक है, रात को इनकी नींद बेकार हुई सच में पूरी। तो भाई 1 बजे के बाद सर 7:30 बजे भाई 7:30 बजे से नींद आई, पापा का फोन आया 7:30 8 बजे के आसपास, कहाँ है उठ गया। मैंने कहा कि उठता आपको रात का उठ रहा है क्यों, क्या बात है, मगर उठा रहा काफी रात से मुझे 7:30 बजे भाई। तो इसीलिए तो फिलहाल तो बुढ़े सो रही है, इसका नौटंकी देखना में मजा आता है, बस खेलती रहेगी रात को रोएगी, खेलती रहेगी। इंस्टाग्राम पे ना फॉलो करियो इन्हें और तब देखना इनके इस पर डालती रहती हूँ इन दोनों। मनीष प्रियम 07 में इंस्टाग्राम आईडी है, तो उसमें देखना आप। और फिलहाल को देखिए मैडम को कैसे सो रही है, उसके नाना नानी मौसी इसका शॉपिंग बाजार में शॉपिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये तो दिखाता हूँ नीचे, पापा जी तैयार हो रहे हैं और बिल्कुल मम्मी जी और सब तो वहाँ पे ही है हॉस्पिटल में, दीदी भी वहीं पे हैं जिस चीज के पार्ट में, अब तो ना काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं, उनकी प्लेट लेट भी 70,000 के आसपास आई है, तो बढ़ रही है काफ़ी उनकी प्लेट भी है। क्या कर रहा बधी बधी दिखा है, पापा ने पैक कर लिया सामान लड्डू वड्डू पूरे। अच्छा मिठाई मांग रहा, चीकू कहाँ, चीकू कहाँ गया, अपने घर नहीं गया वो बंटी चाचू के साथ जा रहा, चिज्जी खा रहा पानी पतस्से खा रहा, वो दुकान पे खा रहे थे अभी रास्ते में चीकू और बंटी चाचू तेरे। मैं तो ले जाने का रास्ते में पतस्से का पानी पतस्से खा रहे, अरे ये खा रहे थे चिप्स और कुरकुरे। अब तो दे रहे तुझे, अब जब मैं भी चल रहा दादू को लेकर हम भी खाऊंगे, अब जा हम भी खाऊंगे। सो गाइस पापा जी रेडी हो चुके हैं, अब चलता हूँ मैं क्योंकि भाई टाइम भी मेरा हो रहा है, 4 बज चुके हैं और फिर क्लिनिक पे भी जाना है मेरे को इसीलिए। तो मोटो खा लिया संधा, वेरी गुड, ऐसे ही खाया करो मुझे, ठीक है। नहीं सही है, जो रखा हुआ खाने की चीज़ें खाओगे कब को खाओगे, फिर ये मम्मी ने ना मुझे क्या रखा वार्निंग दे रखी कौन अरे क्या कह रहा तुझे, काम आ रहा था ना, काम आ रहा दो लल्ली का खिलौना ले रहा तू, आ चल तुझे बादाम खुआऊंगा, डेली में खड़ा होकर आ जा, वहां से आ वहां खड़ा होकर खुआऊंगा तुझे, आ जा 3 दिन का मैं मतलब चीको को दूंगा, आ जा गिरी उसकी हो, आ जा 4-5 साल की बोली थी, इसका मम्मा खुआ रहा है आज बादाम, ये तो तला रहा ना तो कमेंट भी आया था तो मम्मा बादाम खिलाओ घर से, कैसा लगा बता नहीं रहा, पर वो उससे ज्यादा क्या मिलता ना बोलते थे, मुझे बदाम नहीं देते विधान रो रहा, सो गाइस वो ना नीचे रो रहा, गाइस चीकू को बदाम नहीं दिया मुझे, नहीं दिया चाचू ने चीकू को बदाम दे दिया मुझे, नहीं दिया अब उसे बदाम देगा हूँ। हाँ दे भाई इसकी भी गाइस, चाचू ने बदाम नहीं दिए मुझे, चीकू को दे रहे बदाम, बहुत है इसकी, ले आकर। अब क्यों रो रहा था तू, फिर क्यों रो रहा था,
पहले नो बता क्यों रो रहा था, हैं क्यों रो रहा था, बादाम नहीं दिया चीको को, मैंने नो दिया था, वो तुतला रहा नो दिया था, वो नो बोला नो बोल रहा है, वो किस तरह बोल रहा है, वो किस तरह बोल रहा है, पुलिस है इसके अंदर, किसे पकड़ के ले जाएगी पुलिस, छोटे बाबू को, छोटे बाबू को लेके जाएगी, ये तेरा टोप्पा है, ये तेरा टोप्पा है, अच्छा ये फोन किसका है, फोन किसका है, ये दादू का, दादू का फोन है, आप क्या कर रहे हैं इस फोन से, दादू के फोन से, इसमें नंबर आ गया है, नंबर किसका, गर्लफ्रेंड का, नंबर किसका नंबर लेके आया, गर्लफ्रेंड का, फोन का नंबर लेके आया, अच्छा जी, तो अभी मम्मी आई है और गुड़िया के जो है लंगोट धो दिया है मम्मी ने और गुड़िया को नहला दिया है, और नहलाने के बाद ये गुड़िया हमारी सो रही है यहाँ पे, बिल्कुल पैक कर रखा है, देखो कंबल के अंदर ही लेटी रहती है, सही है। सो गाइस हमारा जो काम है खत्म हो चुका है, गुड़िया भी नहा ली और मैं भी नहाकर जो है रजाई में बैठ गई हूँ, नाश्ता हमने कर लिया है और वे जा रहे हैं अभी क्लिनिक पर, और जिया जी की ना अभी तबीयत ठीक है, ठीक है ना जिया जी की तबीयत, हाँ तो आराम है, कल तक छुट्टी मिल सके, कल तक मिलेगी छुट्टी, और जो उनकी जो प्लेटें जो घट के आ रही थी ना वो फिलहाल तो है बढ़ के आ रही है, अच्छी बात है, जो उनकी प्लेटें बढ़ के आ रही है, वरना तो सब टेंशन में हो गए थे जीजाजी को लेकर, क्योंकि उनकी जो प्लेटें है ना 18,000 से जो है ज़्यादा बढ़ ही नहीं रही थी, 3 दिन हो गए थे 18,000 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रही थी, फिर जो है उनका ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा था तो 18,000 ही आ रही थी उनकी, अब जो है बढ़ के आ रही है, फिलहाल तो देखें अपनी गुड़िया को दिखाती हूँ, तो देखिए मेरी गुड़िया को मैंने जो है कंबल की अंदर पैक किया हुआ है, सो रही है, ग्लव्स पहना रखे ऐसे मैंने आज, डेली पहना के रखती हूँ अब तो, मैं इसका ध्यान रखती हूँ बहुत ज़्यादा, और जो ना कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपने जो है बेटी का ध्यान नहीं रखते, मैंने इतना ध्यान रखती हूँ, मैं के सब इतना ध्यान रखते हैं ना इसका बहुत ज़्यादा, वही है आप सब जो है आप सबको हम ज़्यादा नहीं ब्लॉग दिखा पाते, इस वजह से जो आप देख नहीं पाते, और इसे ना हम ज़्यादातर ना इसी रूम के अंदर रखती हूँ, और गेट जो है बंद रहते हैं, हीटर जो है हम चला लेते हैं, हीटर हम ना सिर्फ दिन में को 2 बार चलाते हैं, जिस टाइम पे नहाती है उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए रूम गर्म करने के लिए चला देते हैं, और जो है फिर शाम के टाइम 1-2 दिन से तो हम चला नहीं रहे हैं हीटर, क्योंकि जो है रूम का जो तापमान ठीक हो रहा है, टेम्परेचर ठीक है रूम का, इस वजह से पर हम तो अपनी गुड़िया का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ऐसे टोपा वगैरह सब पहना के रखते हैं, पता नहीं आप सबको क्यों लगता है कि हम अपनी गुड़िया का ध्यान नहीं रखते, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और देखो हमारी बेटी है तो अपना बेटी का अपना ध्यान रखेंगे ही, तो गाइस दो पैर हो रही है, वो दो पैर में ना गुड़िया की ना दवाई देने का टाइम हो रहा है, क्योंकि इसकी जो नाक जैसे कि नाक इसे ना बंद हो जाती थी जैसे कि हो जाती है बच्चों के, इस वजह से उसकी इसकी ना दवाई वगैरह दे रखी थी डॉक्टर ने, और एक पीने की ड्रॉप दे रखी थी, अब इसे दवाई दूंगी, सोती सोती को दवाई दे देती हूँ, क्योंकि जगती है ना तब तो है जब सिर्फ दूध पीने के लिए जगती है फिर सो जाती है, तो गाइस गुड़िया के लिए ना गुड़िया के पापा ना हैंड सैनिटाइजर लेके आ गए थे, ताकि जब गुड़िया को मतलब कुछ खिलाए या पिलाए दवाई वगैरह दे या मतलब कुछ भी इसके पास रखने के लिए जो है हैंड सैनिटाइजर, और आसपास छिड़कने के लिए जो है एक सेवलॉन का जो स्प्रे आता है वो लेके आ गए थे, इसका हम इतना ध्यान रख रहे हैं बहुत ज़्यादा ताकि इसे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ये देखिए हाँ इसे मैं पहले दवाई दे देती हूँ, तो गाइस पापा जी आ चुके हैं भैली देकर घर से, भैली बोलने लगी थी, और तो घर से ना इसके नाम के गिफ्ट आया है, तो जैसे कि भैली जाती है ना घर से यहाँ से जोड़ा आया है मेरे तो ये देखिए अभी खोल के दिखाऊंगी, तो जैसे कि भैली जाती है ना घर पे और तो ना वहाँ से ना कपड़ा आता है, अच्छा ये पापा जी को दिया है, ऐसे ही होता है जैसे कि जब जाते हैं तो मतलब गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो पापा जी को जो मम्मी ने गर्म चादर दी है, और मम्मी गुड़िया के भी कपड़े निकाल कर दिखा दो, तो गुड़िया के भी कपड़े दिखाते हैं आपको,
ये देखिए कितना सोना लग रहा अभी गुड़िया का, गुड़िया का फ्रॉक आया है देखिए। ओफो पीछे भी दिखे इसके तो कुछ मम्मी, नहीं पीछे इसकी पजम्मी है, इसकी पजम्मी टोपा और मोजी पूरा का पूरा सेट आया है इसका, इसके नानी के घर से। इसके पास तो कपड़े अभी से इतने सारे हो गए, बताओ बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। इसमें रख दो मैं पन्नी में, जब बढ़िया जगह ना बाहर लगेगी जब आओगे आपका। और मैं तो बिग बॉस से खरीदी थी, सही है चद्दर घोड़े लगे, कलर भी अच्छा लग रहा है चद्दर का मम्मी जी। गरम गरम लोई बोलते हैं जिसे, पूरा फायर में जोड़ पापा जी के का दो बार बैठ गया यहाँ से, रिक्शा से क्यों नहीं आते पापा जी? मगर सब तुम पूछा लेते तो नहीं, वो तो पापा जी इतना खर्च कर देंगे, रिक्शा से भी नहीं आ सके बताओ। अपने लिए खर्च नहीं करते माँ बाप कभी, बच्चों के लिए खर्च कर देंगे पूरा। पापा जी के पैरों में भी प्रॉब्लम है ना, तो बस अपने पैरों का तो ध्यान रखते नहीं पापा जी, चले नहीं जाता उनसे। अभी ट्रीटमेंट तो चल रहा है उनका, कहीं जगह दिखा लिया फिर भी उनका पैर ना ठीक नहीं है। अभी एक जगह और दिखाएगा वहाँ से हल्का सा आराम है, देखते हैं आराम और लगता है या नहीं लगता है आगे। विधान को बोल रही है मम्मी। और ना गुड़िया के पापा गुड़िया के लिए ना ये है वो सेवलोन का जो है स्प्रे आता है पूरे घर में छिड़कने के लिए, ताकि जो है जो घर में कमरे में कीटाणु वगैरह है ना सब जो मर जाए। तो मैं ना इसके मैंने सुबह ना बेड पे छिड़क दिया था, इन पर छिड़कना बाकी रह गया था, वो छिड़कूंगी ठीक है जी, और पूरे घर में जो छिड़कूंगी ताकि जो है सारे कीटाणु है वो मर जाए। तो गाइस मम्मी ना मेरे लिए ना गर्म पानी लेके आ जाती है, इसमें इसमें तो गर्म पानी रहता है ना बहुत, मतलब शाम तक चल जाता है गर्म पानी, और मैं मुझे प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, तो मैं ना गर्म पानी ना पीती रहती हूँ। और अभी मुझे दवाई भी लेनी बाकी है, दवाई भी लूँगी। अब तो गुड़िया सो रही है, थोड़ा सा जो है काम करूँगी, जैसे कि ये गुड़िया की यही है, मुझे तो गुड़िया के काम रहता है फिलहाल, तो वही करती रहती हूँ।